सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, आज हम 18th पार्ट देखेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और थोड़े से हल्के से टफ लेवल के भी होते हैं। और इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्रिक अलग यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसका हमें वैल्यू पूछा है और ऑप्शन इस तरह से कुछ दे दिए गए हैं। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ऑप्शन दिया रहता था वन टू थ्री फोर या फिर जीरो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए कि अगर आपको इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए इसमें सब कुछ सेम है, सेम का मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर थीटा है, नीचे भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है, थीटा इसके अंदर कॉमन है, या ऐसा दे देता टेन ए और या फिर टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर या फिर कॉट ए, है ना, यहाँ पे भी ए ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, या फिर एक्स एक्स रख देता। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर कुछ भी अगर वो वहाँ पे हमको वैल्यू देता या एक चीज़ कॉमन हमें मिल जाती, तो हमें क्या करना है, थीटा ए या एक्स या इनमें से जो कुछ भी है इसकी एक हमें वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, हम इसकी एक वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो हम वैल्यूज इसमें कंसिडर करेंगे वो होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर साइन और कॉस के अंदर दिया हुआ है, तो इसमें हम इसका जो वैल्यू कंसिडर करेंगे या फिर जो एंगल कंसिडर करेंगे, थीटा का जो एंगल या ए का एंगल, एक्स का एंगल, जो भी एंगल कंसिडर करेंगे, वो हम इसमें 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री कंसिडर करेंगे, क्योंकि साइन 90 डिग्री वन होता है और कॉस 0 डिग्री वन होता है। क्यों यही वैल्यू पुट करेंगे पता है, क्योंकि मान लीजिए अगर वन है वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस वजह से। इसके सिवा इसके पीछे और कोई दूसरा कारण है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए 2/√3 वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं और मान लीजिए इसका आपको क्यूब करने के लिए कह दे, या अगर मान लीजिए लिखा है पावर 6, तो आपको इसको सॉल्व करने की बजाय 1 का पावर अगर 6 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ये हमें पता है। तो पावर वहाँ कितनी भी बढ़ जाएगी तो हमें वो सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो अगर साइन और कॉस में है तो 0 या फिर 90 डिग्री लेकर के हमें उसको चलना चाहिए। दूसरा मान लीजिए अगर टैन या फिर कॉट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादातर वैल्यू कंसिडर करके चलनी चाहिए 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमें पता है टैन 45 भी जो है 1 होता है और कॉट 45 का भी वैल्यू 1 होता है। अगर आप इसमें 0 डिग्री या 90 डिग्री करेंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है, टैन की 90 डिग्री, कॉट की 0 डिग्री, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। इनफाइनाइट वैल्यू रख करके आप क्या सॉल्व कर पाएंगे, कुछ सॉल्व नहीं होगा, उल्टा आपका जो क्वेश्चन है या फिर आपका जो भी इक्वेशन है आप उसमें और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, टैन और कॉट में कंसिडर करके नहीं चलेंगे। अगर मान लीजिए सेक और कोसेक में देता है, ठीक है, सेक और कोसेक में देता है तो भी इसमें 45 डिग्री का वैल्यू कंसिडर करके चलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका पता है कि 45 डिग्री का इसका वैल्यू होता है √2, ठीक है, सेक 45 डिग्री भी √2 होता है और कोसेक 45 डिग्री भी √2 होता है। अगर इसका स्क्वायर करना है तो भी आप आसानी से कर लेंगे, रूट कट जाएगा, 2 आंसर बचेगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लीजिए मिक्स टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है, मिक्स टाइप मतलब उसमें साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, कॉट भी है, सेक भी है या कोसेक भी है, जनरली आपको इतना मिक्स क्वेश्चन कोई देगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मिक्स में अगर क्वेश्चन है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से मिक्सअप में अगर क्वेश्चन आ गया है, तो सीधा सीधा उसकी जो वैल्यू है एंगल की, थीटा की या ए की या फिर एक्स की जो वैल्यू है वो सीधा सीधा 45 डिग्री कंसिडर करके चलना है, क्योंकि साइन जो है 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 होता है, कॉस भी 45 डिग्री 1/√2 होता है, टैन और कॉट 45 डिग्री 1 होता ही है हमें पता ही है, सेक और कोसेक का 45 डिग्री का एंगल का वैल्यू √2 होता है, ये हमें पता ही है। अगर मिक्स में दिया तो सीधा सीधा थीटा की वैल्यू या फिर एंगल की वैल्यू हमें 45 डिग्री कंसिडर करके चलनी है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। देखिए अब कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, देखिए अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू
चलिए कॉट में था ना, टेन और कॉट में है, मैंने कहा था आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेके चलेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा टेन 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन का स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताइए ये कैसा दिखेगा आपको आगे चल करके, टेन 45 1 होता है, ये 1 प्लस टेन 45, ठीक है, ये अंदर में 1 का स्क्वायर है और ऊपर से स्क्वायर लग गया है, प्लस ये भी सेम होगा क्योंकि कॉट 45 भी 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 कर दीजिए अब डायरेक्ट, ठीक है, 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर 4 प्लस उसका भी सेम हो जाएगा 1 अपॉन 4, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन 2, तो ये इसका वैल्यू निकल कर आ गया। अब आप कहेंगे सर 1 अपॉन 2 तो आंसर में कहीं है ही नहीं, तो फिर अब इसका आंसर निकलेगा कैसे, अब क्या करना है, 1 अपॉन 2 आंसर आ गया है, थीटा की वैल्यू हमने 45 डिग्री ऑलरेडी कंसीडर करके चली है, तो यही थीटा की वैल्यू हम लोग ऑप्शन में पुट करके देखेंगे कि अगर किसी में मान लीजिए ये ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है 45 डिग्री है यहाँ पे पुट करके देखते हैं और अगर वो 1 अपॉन 2 से मैच कर जाती है तो दैट मीन्स वो उसका आंसर हो जाएगा, मतलब हमें ऑप्शन की मदद लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू है, मैं ये अभी फिलहाल यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, 1 अपॉन 2 मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 अपॉन 2 इसका वैल्यू आया है। चलिए इसमें पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस ये हो गया 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, अगर इसको सॉल्व करने भी जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए, मतलब ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें पुट करके देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 का क्यूब, क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर करके देख यहाँ पर करते हैं यहाँ ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट मीन्स आपका सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब देखिए तीसरा ये वाला, यहाँ पे बस प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस में है, तो आपका क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 हो जाएगा अब ये, ठीक है, तो 1 माइनस 1 2 अपॉन रूट 2 मतलब 0 अपॉन 2 रूट 2, मतलब ये तो 0 ही हो गया तो भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू आएगा देखिए कैसे, रखिए साइन थीटा 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2, ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर रहा है 1 अपॉन 2 से वैल्यू रखने के बाद, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा डी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट, पहले हम लोगों को थीटा की ए की एक्स की यहां जो कुछ भी दिया रहेगा अगर सब में सेम है, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट थीटा का या फिर एंगल जो है हमें पुट करके वैल्यूज देखना है, साइन कॉस में है तो 0 90 डिग्री, टेन कॉट में है तो 45 डिग्री, सेक और कोसेक में है तो भी हमें 45 डिग्री लेना चाहिए, और अगर सारे क्वेश्चन मिक्सअप में है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेकर के चलना है, और इस तरह से ऑप्शंस की हेल्प ले लेना है और फटाफट करके देख लेना है, ठीक है। एक्सप्लेन करने में जो भी टाइम जा रहा है आपको एग्जाम में इस तरह से हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी है, डायरेक्ट जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका बताया, आपको सीधा सीधा करना है 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, आपको डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 और इसका आ जाएगा प्लस 1 अपॉन, तो दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना कि इसका आंसर तो 3 अपॉन रूट 2 आएगा, मैच नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो सिर्फ पहला आपको इक्वेशन सॉल्व करके देखना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है, देन उसके बाद में आपको ऑप्शन में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देखना है कि वो
इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आई हुई वैल्यूज के साथ में वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है tan x अपॉन 1 प्लस sec x माइनस tan x अपॉन 1 माइनस sec x। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मिक्स टाइप क्वेश्चन आ जाता है, देखिए tan और cot में है नहीं, sin cos में है नहीं, tan और sec में आ गया है, तो हम यहाँ पे x यानी जो डिग्री है उसका वैल्यू हम सीधा सीधा 45 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये 45 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है कि tan 45 डिग्री 1 अपॉन 1 प्लस sec 45 डिग्री, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके, आपको वैल्यूज अगर याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो टेबल बना लीजिए तुरंत। मैंने वैल्यूज याद रखने का तरीका आप लोगों को बताया है, वीडियोज जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, tan 45 डिग्री क्या होता है 1, ये 1 है, प्लस sec x sec 45 डिग्री क्या होता है रूट टू, माइनस ये आपका आ जाएगा tan 45 1 अपॉन माइनस ये होगा 1 माइनस रूट टू। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, LCM लेना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ इस तरफ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू। ठीक है, अब ये स्टेप मैं थोड़ा सा जानबूझ के आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज वो ज्यादा लिखने की वहां पर जरूरत नहीं है। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस रूट टू माइनस नीचे आ जाएगा 1 माइनस सॉरी नीचे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा 1 माइनस रूट टू। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा वो। अब देखिए क्या होगा, अब ये माइनस से पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 1 माइनस रूट टू माइनस 1 माइनस रूट टू अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे क्या तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये होगा 1 माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका, माइनस 2 रूट 2 अपॉन माइनस 1। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आंसर बचा, 2 रूट 2, ये आपकी वैल्यू इस चीज़ की निकल कर आ गई। ठीक है, इस चीज की वैल्यू है 2 रूट 2। अब ऑप्शन में x का वैल्यू पुट करके देखिए कि इससे मैच करेगा क्या, कोसेक x मतलब कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 2, तो मैच कर रहा है नहीं, वहां पे तो 2 रूट 2 है, यहां 2 होता तो बात अलग थी। अब इसमें देखते हैं, ये है 2 कोसेक 45 डिग्री, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, और इसका आंसर हो गया 2 रूट 2, दैट मीन्स ये मैच कर गया, आपका आंसर है बी 2 कोसेक एक्स। ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे आंसर मैच कर गया वहीं रुक जाना है, ये नहीं कि इसको भी सॉल्व करते रहे। अब इसका आंसर अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे भी, तो इसको सॉल्व करके देखिए, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, इसका मतलब ये हो गया 2 अपॉन रूट 2, मैच कर ही नहीं रहा है, इसका भी सेम है 1 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जहां आपका आंसर मैच कर गया वहीं स्टॉप होना है और उस आंसर को आपको टिक कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें मिक्सअप में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक थोड़ा हार्ड मेथड है और एक इजी मेथड है। इजी मेथड ही ज्यादातर आप लोग चॉइस कीजिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये होगा कैसे। ठीक है, चलिए देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें पूछा है और ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं। एक जो अभी तक मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता रहा था वो यही है कि आप इसकी थीटा की कोई भी एक वैल्यू लीजिए, पुट कीजिए उसको, उसका जो है जो भी उसका आंसर आएगा, जो भी उसका टोटल आएगा, उसको ऑप्शन में रख करके देखिए। ठीक है, तो एक ये तरीका है, ये थोड़ा सिंपल मुझे लगा, लेकिन इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो पहले आप इसको एक्सपांड करके रख देख लीजिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब साइन थीटा
इंटू कोसेक थीटा प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये वन होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये वन होता है, तो अब आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू, क्योंकि टू इंटू वन टू हो जाएगा, प्लस ये आपका बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें हमें क्या चीज़ एक दिख रही है कि और एक फॉर्मूला इसमें आपको काम आ सकता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी वन होता है, ये हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको साथ में रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस टू प्लस वन, मतलब ये वन अभी नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका वन, ठीक है। ये अगर आपका वन हो गया तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये प्लस आ गया वन आपका यहाँ पर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब आपके पास ये बचा, तो अब ये क्या हो गया, टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो अभी देखिए इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होता है, मुझे एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, अगर मैं ये टेन उठा के इस तरफ ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मुझे दूसरा एक बात बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, अगर आप ये कॉट इधर लेके जाते हैं तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल रहा है, आप इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये वन और ये वन आपका क्या होगा, फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन। ये आपका इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसको इस तरह से एक्सपैंड करके करेंगे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाता है और हो सकता है कि इसमें आपको लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो ये इस तरह से भी सॉल्व होता है, ये इसका ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया इसमें सी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरा तरीका जिसमें हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूज पुट करने में भी तकलीफ हो जाएगी इसमें, क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यूज है, हो सकता है कोई एक आधी मैच करने के इसमें आ जाए, लेकिन देखते हैं अभी। चलिए अगर हम यहां पे देखिए मिक्सअप में है, ठीक है, साइन कॉस के साथ में नहीं है, कॉस यहां आ गया है, ठीक है, मिक्सअप में है, हम सीधा सीधा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेकर के चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अब अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं साइन 45 प्लस कोसेक 45, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर निकालिए। साइन 45 क्या होता है, वन अपॉन रूट टू प्लस कोसेक 45 क्या होता है, रूट टू, ये हो गया स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा मतलब कॉस 45 क्या होता है, वन अपॉन रूट टू प्लस सेक 45 क्या होता है, रूट टू, इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ें, अब देखिए हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है क्योंकि यहाँ तो वन है, तो आप क्या करेंगे, वन अपॉन रूट टू प्लस रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस ये हो गया वन अपॉन रूट टू प्लस ये हो गया रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ नहीं यहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया वन अपॉन रूट टू प्लस ये आपका हो जाएगा टू अपॉन रूट टू का स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका वन अपॉन रूट टू प्लस टू अपॉन
रूट टू टू का स्क्वायर। अब आपको क्या मिल गया, ये हो गया आपका 3/√2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया आपका 3/√2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 9/2 + 9/2, ठीक है, बराबर है। अब ये आ जाएगा 18/2, इसका मतलब हो गया 2 1 2 9, ठीक है, 9 आपका आंसर आ गया। मतलब अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इसमें से किसी में भी पुट करेंगे तो उसका टोटल 9 आ जाना चाहिए, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए इसमें पुट करके देखें, 7+ ये तो 1/√2 आ गया, ये तो अपॉन में जा रहा है, ये रूट टू हो जा रहा है। अगर इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी आपका रूट टू आ जा रहा है, ये अपॉन 1/√2 आ जा रहा है, नहीं आएगा। लेकिन आप इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन में 7+ ये आपका क्या हो गया, 10 square theta, मतलब ये हो गया आपका 1 का square प्लस cot 45 भी जो 1 होता है इसका हो गया ये 1 का square, तो आपका ये हो गया 7 1 का square 1 प्लस इसका 1 7+1 8+1 = 9, मतलब ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1 - tan²θ / cot²θ - 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको हमारे पहले वाले मेथड के हिसाब से सॉल्व करें कि अगर हम थीटा का वैल्यू ले लें 45 डिग्री, क्योंकि टेन और कॉट में है, मैंने सीधा बोला था अगर टेन और कॉट में है तो इसका वैल्यू कोई आप पुट करके देखिए, अगर आप 30 डिग्री या कोई भी लेते हैं तब भी जो है ये सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हैं, तो सिंपल सिंपल मुझे एक बात बताइए, टेन 45 डिग्री 1 होता है, 1 का square 1 क्या हो गया, 1 - 1 ये हो गया आपका cot 45 डिग्री 1, ठीक है, cot उसका 1 का square 1 1 - 1 ये हो गया आपका 0/0, मतलब ये हो गया आपका 0। मुझे एक बात बताइए, sec 45 डिग्री क्या 0 होता है, नहीं, ये होता है √2, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 2, ये भी होता है 45, इसका भी आंसर आएगा 2, tan 45 डिग्री 1 होता ही है, 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, ठीक है, और cot का 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 1। किसके साथ मैच कर रहा है, तो किसी के साथ ही मैच नहीं कर रहा। आप बोलेंगे सर ये क्या गड़बड़ हो गई इसके अंदर, अब तो यही चीज़ है, देखिए यही चीज़ हमें मिस नहीं करना है। देखिए क्या है, मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन है और जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर जीरो आ रहा है और किसी भी ऑप्शन के साथ वो मैच नहीं करने वाला है, ये तो हम लोगों ने अभी ओरली देख लिया सीधा सीधा कि इसका आंसर जीरो आ रहा है और वो इनमें से किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपांड करके देखिए क्या करना है। वन मन आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, नीचे में आप लोगों को इसका डिनोमिनेटर कॉमन करना है, आप क्या करेंगे इसे, आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपका नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन करना है, ठीक है। होप सो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपका नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है ही मल्टीप्लाइड बाय, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो गया, ये आपस में कट हो गए, आपका क्या बचा, आपके पास में बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, स्क्वायर में है, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिए इस तरह से सॉल्व होगा, तो देखिए हर जगह देखिए वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके देखना है, लेकिन जल्दी सॉल्व करके देखना है, कहीं आपके हाथ से टाइम आपका ना निकल जाए।
फटाफट देख लीजिए थीटा की वैल्यू लेकर के देख लीजिए, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा जो है आपको कुछ अलग ट्रिक्स भी लगाने हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन में अगर हम थीटा का वैल्यू लेकर के सॉल्व करते तो फंस जाते, इसका आंसर ना निकलता, इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम इनको किन चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और उसका क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टेन ए प्लस कॉट ए प्लस सेक ए, ठीक है, इंटू टेन ए प्लस कॉट ए माइनस सेक ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थीटा की जगह ए दे दिया है, कोई बात नहीं, ए को हम 45 डिग्री लेंगे। क्यों? क्योंकि मिक्सअप वाला क्वेश्चन है, टेन और कॉट तो है ही लेकिन सेक ए इसमें आ गया है इसलिए ये थोड़ा मिक्सअप वाला है, तो ए का जो वैल्यू है हम 45 डिग्री लेकर के चलेंगे। तो चलिए अगर ए 45 डिग्री लेकर के चलते हैं तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए, टेन 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1, सेक ए रूट 2 इंटू टेन ए 1 प्लस 1 माइनस रूट 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2। मेरे को एक बात बताइए क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, करिए 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको एक वैल्यू मिल गई 2। अब आप ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए कि अगर tan 45 डिग्री अगर हम किसी का वैल्यू रखते हैं तो उसमें जो है किसी का वैल्यू 2 आ रहा है क्या। तो ठीक है, sin 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन 2, नहीं कैंसिल, ये भी cos 45 जो है 1 अपॉन रूट 2 होता है, ये भी 1 अपॉन 2 आएगा, मैच नहीं कर रहा है। cot square a cot 45 तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि cosec 45 जो होता है ये होता है रूट 2, अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर निकालेंगे 2 जो कि मैच कर रहा है, तो हमारा होगा ऑप्शन डी cosec स्क्वायर a। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पे फिर से आपको ऑप्शन में 3, 2, 3, 4, 1 आ चुका है, ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर ये मैं 4 को थोड़ी देर यहां करके लिख दूं, 4 इंटू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं प्लस 1 अपॉन, अब मुझे एक बात बताइए कि 1 प्लस cot स्क्वायर, मेरे को एक बात बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मैं ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस ये 3 साइन थीटा ऐसे ही रहने, 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब मेरे को एक बात बताइए, sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है, तो cos अगर लिखना है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा लिख सकता हूँ, तो मुझे बताइए 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है ना, वो तो सिंगल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस अब मुझे एक बात बताइए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अब मैं ये कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, या सॉरी साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, तो ये 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका ये बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा, अब ये क्या हो गया आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है, 4 कॉमन आ गया, अब आपका क्या बचा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है, इसमें वैल्यूज नहीं पुट करनी थी हमें,
इसको इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए ये बेसिक फॉर्मूले पे ही सॉल्व हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाया है या बहुत कोई बहुत बड़ा दिमाग लगा करके इसे सॉल्व नहीं किया गया है। बहुत ही बेसिक जो फॉर्मूलेज जो सबसे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिखाए थे, ये वही फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, टक्कर में हमेशा रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडर रूट में 1 - cos A / 1 + cos A, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देखिए ऐसे इसमें क्या करना है, मान लीजिए जैसा ऊपर दिया हुआ है सेम टू सेम नीचे दिया हुआ है, लेकिन साइन चेंज है, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है। तो इसमें क्या करना है आपको, रैशनलाइजेशन वाली प्रोसेस करनी है, जिसको आप लोग हिंदी में परिमेयकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या होता है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब माइनस में। अब ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसे अंडर रूट में लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 - cos A का इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा आपका 1 - cos² A, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 1 - ये देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये उठा के उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - cos² थीटा, थीटा की जगह यहाँ a है सिर्फ, इतनी सी तो बात है, तो इसको हम साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, 1 - cos A² और डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर है, एक एक बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos A / आपका ये हो जाएगा साइन a। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1, अब देखिए 1 - cos A है, ये स्क्वायर में है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट साइन a लिख करके कैंसिल करके 1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वो स्क्वायर में है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 - cos A इज इक्वल टू साइन a नहीं होगा, ठीक है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 - sin A - cos A / sin A, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन ही है, तो ये दोनों में लिख सकते हैं हम इसको डिवाइड करके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हम साइन उठा करके मैं इधर लेके जाऊं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 - sin θ होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक a, और ये माइनस का साइन है। मुझे एक बात बताइए, कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ ए है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, आपका आंसर है ए, ठीक है, आंसर नंबर ए, कॉस ए माइनस कॉट ए आपका आंसर आ गया। ये इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, रैशनलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके तहत नीचे वाला ऊपर जाएगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में क्या होगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए आप लोग आगे जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आप वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू ले सकते हैं, या फिर यहाँ ए दिया हुआ है तो आप ए का कोई भी एक वैल्यू लेकर के आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ए है, ए को अगर हम 45 डिग्री लेकर के चलते हैं, ठीक है, कॉस में है, ओके, कॉस में है, इसको 45 डिग्री लेकर के चलते हैं, तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 - ये होगा आपका 1/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 + 1/√2, ठीक है। अब इक्वेशन, अब डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √2 - 1/ नीचे क्या आ जाएगा आपका, √2 + 1, ठीक है। अगेन रैशनलाइजेशन प्रोसेस इसमें लागू कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा और नीचे में दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो आपको क्या मिलेगा, √2 - 1 इसका स्क्वायर मिलेगा, और नीचे आपको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 में तो ये आपका 2 - 1 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 1 आ गया आपका सीधा सीधा,
तो ये आपका रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन, वन डिनोमिनेटर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपका बचा ये रूट टू माइनस वन आंसर आना चाहिए। अगर आप ए की वैल्यू 45 डिग्री ऑप्शन में पुट करते हैं तो आपका रूट टू माइनस वन आंसर आना चाहिए। ये किस में आएगा, तो पहले ऑप्शन से ही शुरू करते हैं जो कि हमारा आंसर भी अभी हमें पता है, लेकिन मान लीजिए आप एग्जाम में आपको नहीं पता है तो मुझे बताइए कोसेक 45 क्या होता है, कोसेक 45 आपका होता है रूट टू और कॉट 45 आपका होता है वन, ठीक है। तो अब ये माइनस में है तो ये आपका क्या होगा रूट टू माइनस वन, ये जो कि आपका मैच कर रहा है। आगे आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि वैल्यूज पुट करके रखने की ज़रूरत ही नहीं, अदर ऑप्शन में हमें पता चल गया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आज हम यहाँ रुकते हैं, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, इससे आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आज हम यहीं पे रुकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसे सॉल्व करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंसेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बने रहिए हमारे साथ में ऐसे और भी अच्छे ट्रिक सीखने के लिए और अच्छे ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए। तो इसका सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।